आज मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। आप सबकी बहुत सारी कमेंट थी कि आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाना सीखना है और मैं आपके हर एक टॉपिक को लाइन से बनाती जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि अब आप क्या सीखना चाहते हैं, जिससे आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी पड़ेगी, और अगली वीडियो में मैं आपको कपड़े पे कटिंग करके सिलना बताऊंगी। चलिए पहले कटिंग करते हैं। ये हमारा पेपर है और इसको डबल में रख देना है। तो सबसे पहले निशान लगाना है आपको अपने ब्लाउज की लंबाई का। तो जैसे कि इसकी लंबाई 14 इंच है, तो इसका निशान लगाएंगे हम 15.5 इंच पे। पहले आपको नीचे की साइड 1/2 इंच निकाल देना है, और कपड़ा ज्यादा होता है तो आप इसको तुरपाई के लिए भी 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं। अब इधर देखिए, 14 इंच हमारा फिक्स हुआ, 1 इंच रहेगा बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा, और 1/2 इंच रहेगा ऊपर के लिए मार्जिन, तो 1.5 इंच आपको बढ़ा देना है। 15.5 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। जैसे कि शोल्डर 10.5 इंच है, तो उसका हाफ रखेंगे 5 इंच 2 पॉइंट। ये हमने हाफ रख दिया और ये मार्जिन का बढ़ा दिया। अब आपको निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल की लंबाई लेंगे 6 इंच 2 पॉइंट। तो 6 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा देना है। तो अब निशान लगाना है आपको सीना का चौथाई भाग। जैसे कि सीना 38 इंच है, तो उसका चौथाई भाग होगा 9.5 इंच, ठीक है। और 2 पॉइंट रहेगा पट्टी के लिए, इसका निशान लगेगा 10.5 इंच पे, मतलब 10 इंच में 2 पॉइंट कम, और इस निशान को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सीना का चौथाई भाग रखना है और यहाँ पे 2 पॉइंट मार्जिन कर लेना है। तो आप किसी भी साइज का बनाए, इसी तरह आपको चौथाई भाग निकालना है। उसके बाद नीचे की साइड लेना है हमें कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि कमर 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो 2 पॉइंट तो इधर गया ही मार्जिन का, और इसी निशान से चौथाई भाग ले लिया। अब इस निशान से मिला देना है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन के लिए बढ़ाना है। आप 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं, और कपड़ा कम है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो 1.5 इंच बढ़ा दिया मार्जिन का। तो अब आपको करनी है गले की कटिंग। तो गले का निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे, और लंबाई में लगाएंगे 6 इंच का, और इसको सीधा कर देंगे, और इधर से गुलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पॉइंट तिरछा करना है, कंधे की साइड झुकाना है, इस तरह झुका देना है। उसके बाद 1 इंच की यहाँ पे गहराई देना है, और इस तरह मिला देना है। अब इसी निशान से पीछे की साइड आपको 1.5 इंच पे गहराई का निशान लगाना है। तो ये रहेगा आपका पीछे की साइड का। तो आगे का 1 इंच की गहराई, और जब इसी निशान से पीछे की साइड लगाएंगे तो 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग एक ही बार में हो गई है, आप ध्यान दे सकते हैं कि गहराई एक बार में ही इसकी आ गई है। अब हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे 3.5 इंच पे, ऊपर की साइड 3.5 इंच, और यहाँ पे 2.5 इंच, और हल्का सा गुलाई देते हुए इस तरह मिला देंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया। तो इस तरह आपको बेल्ट के लिए निशान लगा देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका बेल्ट बनके 12 इंच पे तैयार हो जाएगा। अब आपको निशान लगाना है कटोरी के आकार का। इस निशान से, गले के निशान से आपको 1 इंच ऊपर निशान लगाना है पहले। इस निशान से आपको 2 इंच पे एक निशान लगाना है, इस निशान से 2 इंच पे, और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट पे। अब ये निशान कैसे लगाना है आपको, तो इसका भी आइडिया मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि सीना का चौथाई भाग निकाला, तो निकला 9.5 इंच। अब उसका हमें 3 भाग कर देना है। इस 9.5 इंच के 3 भाग इधर करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 इंच
दो पॉइंट, दो पॉइंट जो मार्जिन है वो इधर रखेंगे और बाकी हम यहाँ पे निकाल देंगे। मतलब एक हिस्सा आपको छोड़ना है, दो हिस्सा कटोरी के लिए इस्तेमाल करना है। इस निशान को आप किसी भी साइज का हो इसी तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। कि सीना का चौथा ही भाग किया, उसको फिर तीन से डिवाइड किया, तो एकाएक पॉइंट इधर उधर हो सकता है। आप एक पॉइंट इधर भी बड़ा कर सकते हैं या इस तरफ, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने निकाला 6 इंच और दो पॉइंट, तो ये हमारा पट्टी का है ही। अब इस निशान को इस तरह मिलाएंगे और इसको गुलाई से मिलाते जाना है। इस तरह हमें कटोरी का आकार बना लेना है और इस निशान से 2 इंच पे आपको निशान लगाना है, जैसे कि 36 का और 38 का और 34 तक। आप इसको 2 इंच पे निशान लगाइए, जिससे आपका सिलने के बाद 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बचना चाहिए। और जब आप इससे बड़ी साइज का बनाते हैं तो आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है, जिससे सिलने के बाद ही 1.5 इंच पे तैयार रहना चाहिए। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। इस तरह आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं आपको इस कटोरी को रख के डबल कटोरी निकालना बता रही हूँ। अब आपको डबल पेपर लेना है और इसके ऊपर इसको रखना है, ठीक है। इस तरह रखना है और जो भी हमारी कटोरी की चौड़ाई है उसको हाफ पे एक निशान लगाना है। जैसे कि इसकी चौड़ाई 6 इंच दो पॉइंट है, तो इसका निशान लगाएंगे हम 3 इंच एक पॉइंट पे, तो ये इसका बीच का सेंटर हो गया। अब टक्स जो हमारी बनती है, वही टक्स हमारी जो बनती है वो 3 इंच की रहेगी, तो यहाँ पे निशान पहले हम 1.5 इंच पे लगा लेंगे। ये 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस निशान से इधर हम 0.5 इंच की ऊंचाई देंगे, मतलब गुलाई देना है हमें, तो इस तरह आपको मिलाना है। इस तरह आपको हल्का सा ऊपर की साइड ले जाना है और इस तरह भी आप देख सकते हैं कि 0.5 इंच की यहाँ पे गुलाई होना चाहिए, तो ये वाला हुआ। और इस निशान को इस तरह मिला देंगे तो ये हमारी गुलाई निकल आएगी। इस तरह आपको गुलाई निकाल लेना है। अब इसको हमें काट के निकाल देना है, तो गुलाई से आपको पहले काट के निकालना है। इस तरह दो भाग में इसको बांट देना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें बीच में 1 इंच का गैप देना है। इस तरह आपको बीच में गैप देना है और पिन को लगा के रख देना है। इस तरह आपको पिन लगा के रोक लेना है, जिससे इसका सेंटर बीच में रहेगा। उसके बाद अब आपको 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है और 1 इंच यहाँ पे बढ़ाना है। इस तरह 1-1 इंच बढ़ा देना है और नीचे की साइड हमें इसी निशान से 3 इंच पे निशान लगाना है, तो इस निशान को पूरा कर दिया 3 इंच पे, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद इस निशान से इसको मिलाना है और इस निशान को इससे मिलाना है। इस तरह आपको मिला देना है। अब हमें इस निशान को ऊपर की साइड ले जाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको 0.5 इंच बढ़ाना है, सिर्फ हमारा मार्जिन का इधर रहेगा और इसको बढ़ाते हुए इधर मिला देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा सिलाई मार्जिन 2 पॉइंट ही रहेगा, जो पट्टी के लिए हमने शुरू में लिया था वही हमारा 2 पॉइंट इधर रहेगा। अब इस निशान को इससे मिला देना है। गले के पास आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आकार है वैसे ही बना देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह हम नीचे की साइड आएंगे और हल्के हाथों बढ़ाते हुए इस निशान को इससे मिला देंगे। बस यही आपको इतना समझना है। तो यहाँ पे 1 इंच का फासला रख दिया कि जो हमारा ज्वाइंट लगेगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग होगी बीच सेंटर से।
अब आप समझ गए होंगे कि इसकी कटिंग बिल्कुल जैसे कि कटोरी ब्लाउज मैंने आपको बताया है सेम वैसी ही है। बस आपको कितना ध्यान रखना है कि एक इंच यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रखना है। दो इंच तो हम कटोरी कट ब्लाउज में बढ़ाते ही हैं और डेढ़ इंच नीचे की साइड भी बढ़ाते हैं, तो एक कटिंग तो हमारी पूरी सेम वैसी ही है। बस यहाँ पे इस जॉइंट के लिए हमें कपड़ा बढ़ाना है, जिससे क्या है यहाँ पे गुलाई का आकार आ जाएगा। अब आपको सेम निशान पे कटिंग कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपको कटोरी की कटिंग करना है। और अब आपको एक बात बताऊं, अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो इस जॉइंट को खोलिए, ठीक है। और अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं तो आपको इस जॉइंट को नहीं खोलना है, बस गुलाई से सिलाई पकड़ना है और डाल देना है। अब यहाँ पे प्लेट के लिए ध्यान दीजिए, डेढ़ डेढ़ इंच पे आपको निशान लगाना है, डेढ़ इंच इधर और डेढ़ इंच इधर। तो ये हमारी प्लेट बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और कपड़े को पकड़ेंगे और प्लेट बना देंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई डालेंगे। तो इस तरह आपको कटोरी की कटिंग करना है। अब मैं आपको इसको सिलने का आइडिया बता देती हूँ। तो पहले हम पिन निकालेंगे और इस निशान को थोड़ा डार्क करेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये निशान बन गया है, इसी पे आपको धागा डालना है। इस तरह प्लेट बना देना है। प्लेट बनाने के बाद अब आपको इसको इस तरह दबाना है, इस निशान से ही आपको कपड़े को मोड़ना है और इधर भी इस तरह पकड़िए। जिस तरह ये कपड़ा मोड़ रहा है बस उसको मोड़ते जाना है। तो अब आपको सिलाई डालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जितना आपने मार्जिन लिया है उतना दबाते हुए आपको सिलाई चला देना है। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको काट के अलग निकाल रहे हैं तो आपको एक इंच का मार्जिन रखना है, और अगर आप काट के नहीं निकाल रहे हैं तो एक इंच में दो पॉइंट कम ही आपको रखना है, क्योंकि इसमें हम जॉइंट नहीं खोल रहे हैं। तो पहले आपको प्लेट बनाना है, उसके बाद इस सिलाई को डालना है। अब इसको खोल देंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना सुंदर गुलाई से आकार आ गया। अब आपको इसी तरह बनाना है, तो आप बनाइए और ट्राई कीजिए। तो एक बार मैं आपको इस पे मिला के दिखा देती हूँ आपको, कि आपको इस तरह मिला के रखना है और इसको जॉइंट कर देना है और उसके बाद हमें बेल्ट लगाना है। तो इस तरह आपका आंगे का पार्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको एक बात बताऊं, आपको इसी कटिंग को कपड़े के ऊपर रखना है और सेम कटिंग कर देना है। अब उसमें आपको बिल्कुल भी मार्जिन कहीं पे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमने इसको मार्जिन के साथ ही कटिंग किया है। तो इससे आपका कपड़ा भी बचेगा और आपको बनाने में आसानी पड़ेगी। अगर आपका कपड़ा कम भी होता है तो आपको इसको रखना है और इसके ऊपर कटिंग करके निकाल लेना है। और आपको दूसरी बात बताएं, जब आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो आपको बीच में एक इंच कपड़ा लेना है, जब आप बिना अस्तर का बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कम लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का मैं आपको पूरा ब्लाउज कपड़े पे बना के दिखाऊंगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपको कपड़े में बताने वाली हूँ और आपके जितने भी डाउट होंगे उसमें मैं सारे क्लियर कर दूंगी। आप अपनी बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।